गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज गायत्रीज गुड लाइफ। सो वेलकम है आप सभी लोगों का। और जैसा कि मैंने बताया था पहले कि ये जो मेरा चैनल है इस पर मैं अपने लाइफ रूटीन, अपने बारे में जो भी चीजें हैं वो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। सो आज मैं रेडी हूँ। एक्चुअली आप सब लोग पूछते रहते हैं कि मेरे लंबे बालों का राज क्या है। सो आज मैं आप सबको दिखा रही हूँ, मैं मेहंदी लगाती हूँ अपने बालों में। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि जो मेहंदी है, एक्चुअली शहर में तो नेचुरल मेहंदी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि नहीं मिल पाता है। सो मैं प्रेम दुल्हन यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए। वो बहुत ही सिल्की और बहुत ही सुंदर लगते हैं। सो मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे बालों को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो इस वजह से आज हम मेहंदी घोल रहे हैं, ठीक है। सो हमने ले ली है एक कटोरी और एक चम्मच जिससे मैं अपने बालों में लगा सकती हूँ। और मैंने कट करके दो पैकेट जो है वो प्रेम दुल्हन के रख लिए हैं। अब मैं इसको करती हूँ इसमें मिक्स, ओके। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पहले मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ, बहुत छोटा काम किया लग रहा है इसको। और निकल जाना, अरे यार ये बहुत ही छोटा है। हमने सोचा मैं काट लेती हूँ पहले ताकि बाद में दिक्कत ना हो। मैंने काट तो दिया बट ये कोशिश कर रही हूँ मैं। हो गया ये, अब मैं इसको ऐड करती हूँ। एक्चुअली मैं घर में रहती हूँ ना तो मैं नेचुरल मेहंदी यूज करती हूँ, बट गांव पे मिल जाता है यार, सिटीज में कहाँ मिलने वाला है ना। तो इस वजह से मुझे यूज करना पड़ेगा यही, और मैं यही यूज करती हूँ। वैसे तो मुझे लग रहा है कि मेरा एक ही पैकेट में हो जाएगा क्योंकि आजकल मेरे बाल थोड़े हल्के हो गए हैं, बट आई विल ट्राई, देखती हूँ। हो जाता नहीं होगा तो मैं दूसरा भी कट करके रखी हूँ अभी, और मैं देखती हूँ कि उसको फिर कैसे मिक्स करेंगे। तो इसको हम लोग कर लेंगे ऐसे मिक्स, और उसके बाद जब ये मिक्स हो जाता है, इसको एक्चुअली क्या है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करके और कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर आप इसको छोड़ दो, वैसे मालूम है आज मौसम बहुत ही ख़राब है, ठीक है। आज मेरा मन नहीं था लगाने का बट मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि मैं इसको देखती हूँ, मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है, धूप नहीं है। धूप रहती है तो फिर मज़ा आता है मेहंदी लगाने में ना, आप धूप में थोड़ी देर बैठ सकते हो, बट आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं है बाहर। सो मैं देखती हूँ, अदरवाइज मुझे ठंडी लग जाएगी और मैं पड़ जाऊंगी बीमार। एक काम करेंगे, सर को गैस पे सेंक लेंगे, है ना। अच्छा आप लोग भी लगाते होंगे ना, वैसे आजकल तो सभी लगाते हैं, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो नहीं लगाते हैं। लेकिन हाँ, मेरे साथ एक चीज स्पेशल है कि मैं खुद से लगाती हूँ, बाकियों का जैसे कोई ना कोई लगाता होगा बट मैं खुद से लगाती हूँ खुद के बालों में, है ना। कौन कौन लगा लेता है खुद के बालों में खुद से? एक्चुअली बहुत लोगों से ना लगता नहीं है खुद से, वो लोग लगा नहीं पाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है, बट तो मैं लगा लेती हूँ खुद से। वैसे हो तो जाना चाहिए मुझे जहां तक लग रहा है। बाहर की लाइफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे गांव की लाइफ बहुत पसंद है, मुझे बहुत मजा आती है गाँव में। लेकिन ठंडी में बहुत ठंडी लगती है, मुझे लगता है इतने में हो जाएगा, है ना, और ठीक भी है। एक्चुअली एक चीज बताऊं, मैं आजकल जो लोगों के रूखे रूखे बाल हो जाते हैं ना, उनके लिए बहुत ही जरूरी है मेहंदी, मुझे ऐसा लगता है। आप नहीं लगाते हैं फिर भी अगर आपके बाल अच्छे हैं तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। बट आजकल लोगों के बाल जो है ना, वो हेयर फॉल बहुत होता है, फिर रूखे हो जाते हैं क्योंकि आप लोग स्ट्रेट करवाते रहते हैं। एक चीज और मैं बता दूं अपना सीक्रेट, मैं आज तक कभी भी पार्लर में अपने बाल नहीं कट करवाती हूँ, मैं खुद से कट करती हूँ और थोड़ी सी केयर करती हूँ, ज्यादा नहीं, बट मेरे बाल बहुत सुंदर है, मुझे पसंद है। बाकियों का मालूम नहीं बट मुझे मेरे बाल बहुत पसंद है। आप लोग बताइएगा। अभी इसको हम लोग छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए, तब तक मैं नहा लूंगी और अपने बाकी के काम भी निपटा लूंगी जो भी चीजें करनी है। उसके बाद हम लोग इसको लगाएंगे छत पे जाके। वैसे छत पे तो बिल्कुल धूप नहीं है, आज क्या होगा मेरा, क्या होगा कालिया, बट जो होगा देखा जाएगा, मिलते हैं 1 घंटे बाद। सो 1 घंटे हो गए हैं और अभी हम शुरू करते हैं हमारा जो मेहंदी लगाना है। और अभी मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैं अभी जस्ट आई हूँ। बहुत लोग सोच रहे होंगे नहाने के बाद मेहंदी,
बट अगर मैं मेहंदी लगा करके और वेट करती तो लेट हो जाता काफ़ी, और फिर मुझे नहाने में थोड़ी दिक्कत होती है शाम के टाइम में, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है ना, प्रोग्राम करना है, सो मैं इसका रिस्क नहीं ले सकती हूँ। हाँ, मैं बाद में बाल धुल लूँगी अलग से और मैं कपड़ा भी चेंज कर लूँगी, सो आई एम रेडी फॉर ऑपरेशन। एक्चुअली ये लगाने के बाद ऐसा लगता है कि मैं हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, बट चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं शीशा लेकर के नहीं आई हूँ, हाँ मैं भूल गई, और मुझे लग रहा है कि या तो मैं लाऊंगी या फिर मैं कैमरा में ही देख करके आप लोगों के साथ साथ मेहंदी भी लगा लूँगी अपने बालों में, लेकिन मुझे लग रहा है लाना पड़ेगा। ओके, तो मैं लेके आती हूँ शीशा, है ना, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। और मैं कैमरा में कितनी देर तक देख देख करके लगाऊंगी। ओके, अभी आती हूँ जी। हाँ, तो मैं हूँ अभी अपने छत पे बैठी हुई, और थोड़ा सा हाँ ऊपर कर लूँ ताकि बीच में कोई इशू ना आ जाए। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, मैं कम से कम पिछले 5-6 सालों से खुद से मेहंदी लगाती हूँ, तो इसी वजह से मुझे तभी तो आदत हो गई है लगाने की मेहंदी, और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है मेहंदी लगाने में। थोड़े से लंबे बाल हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट कोई बात नहीं, मैं साथ में पानी भी लेकर के बैठी हूँ कि बीच में अगर मुझे हाथ धुलना पड़े या फिर कुछ तो करना पड़े तो मैं कर सकूँ, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगता है भाई सही ढंग से लगाने के लिए मेहंदी। एक चीज़ तो मैं बता ही दूँ आपको, बट शायद आप लोग मेरे साथ साथ मेरा ये पूरा वीडियो देखेंगे। बस एक चीज़ मैं बताऊँ, जब मैं छोटी थी ना, मुझे मेहंदी लगाने का बचपन से शौक है बालों में, बट मेरी मम्मी लगाने नहीं दिया करती थी। उनका कहना था नहीं, फैशन नहीं करने का बेटा, पढ़ाई पे फोकस करो, ध्यान दो पढ़ाई पे, मेहंदी वेहंदी नहीं लगाने का। बट अभी बच्चे बड़े हो गए बड़े के बूढ़े हो गए सब लगाने लगे मेहंदी। अच्छा, आप लोगों के भी साथ ऐसा है क्या? मम्मी, मैं छुड़ाने के चक्कर में और फैला ली। एक्चुअली मैं छत पे हूं ना, और यहाँ पे बहुत तेज तेज से हवा चल रही है, ठीक है, तो इस वजह से मेहंदी जो है मेरे मुंह पे लग रही है, बट कोई बात नहीं है, चलता है यार। खुद से काम करने में थोड़ा तो दिक्कत होता ही है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लोगों को दिक्कत है या फिर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो इंटरेस्टेड है मेहंदी लगाने में, तो आप लोग उससे भी लगवा सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है, तो मैं इसलिए खुद से लगा रही हूँ, ठीक है। दामोदरम नाजन जानकी बलव। अच्छा, एक चीज मालूम है, मैं अकेले बिल्कुल भी बोर नहीं होती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अकेले रहना बहुत पसंद है और वो अकेले में कभी बोर नहीं होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं, अरे भगवान कोई नहीं रहेगा अकेले कैसे रहेंगे, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं खुद की खुद दोस्त हूँ मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगता है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि मुझे अगर कोई कह दे कि मैं शीशे के सामने बैठ करके खुद से 1 घंटे बात करूं, तो या मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद से भी बातें कर सकती हूँ। अब पागल मत समझ लेना मुझे, ठीक है ना। मैं छत पे इसलिए आई ना क्योंकि थोड़ा सा धूप भी लगती रहे, अदरवाइज मुझे ठंडी लग जाएगी, और उसके बाद क्या होगा आप लोगों को भी मालूम है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। सही बात है,
हम तो एग्री करते हैं भैया कि अगर हम मीरा के जैसे बुलाएंगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे भाई, जरूर आएंगे। अच्छा मेरे जो मेल फैन है उनको मेरे बाल पसंद है भैया, उन लोगों का कहना है आप अपने बालों में लगाती क्या है, देख लो। आज मैं जो है वो अपने सारे आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मालूम है अगर आप हाथों में ग्लव्स लगाए हो ना तो बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रश से ही काम चलाया जाए, आप अपने सर में हाथों से भी लगा सकते हैं जल्दी, और अच्छी होती है, जल्दी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक चीज मैं बता दूं कि प्लीज यार चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ अपने गांव और फिर मैं आपको एक अलग दुनिया से मिलवाऊंगी, गांव की दुनिया से। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो कि घर से बाहर रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, उन लोगों को मैं गांव घुमाऊंगी इसी बहाने से, है ना। बट जो लोग गांव में रहते हैं सो कोई बात नहीं है, आप लोग ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं गांव में किससे किससे मिलाऊं, क्या क्या चीज़ें करें हम लोग, ठीक है। मैं बहुत जल्दी जाने वाली हूँ, बस मेरा प्रोग्राम्स कुछ है, 4-5 तो ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं जाऊँगी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं अपने खुद से बात कर रही हूँ या आप लोगों से, क्योंकि मैं कैमरा नहीं देख रही हूँ, और भाई मैं अगर कैमरा देखूँगी ना तो फिर मेरी मेहंदी जो है वो नहीं लग पाएगी, तो इसी वजह से मैं कैमरा से थोड़ा सा नजर हटाए हुए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते जैसे बुलाते कौन कहता है भगवान। और बताइए आप लोग कुछ नहीं, मेरे को आप लोगों से ये जानना है कि मैं किस चीज़ पे और वीडियो बनाऊं, मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए सो मैंने शेयर कर दी आप लोगों के साथ। अब ये मत कहना कि हद हो गई। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों की जो रियल लाइफ है उसके अलग उससे अलग एक रियल लाइफ भी है भाई, और हम लोग भी रियल लाइफ में वैसे ही है जैसे कि आप लोग हैं, है ना। सो हम लोग भी वो सारे काम करते हैं जो आप सब करते हैं, इसलिए ज्यादा जज करने की जरूरत नहीं है कि अरे आपने खुद से किया या आपने ऐसा किया, बिकॉज सबकी अपनी अपनी लाइफ है यार, सब अपनी लाइफ में मस्त हैं और मुझे लगता है रहना भी चाहिए, मैं तो रहती हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है कि कौन क्या कह रहा है हमारे बारे में। जी अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं कर रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझसे ज्यादा बड़ा डरपोक भी कोई नहीं है, समझे। और मालूम है जैसे हमको तो लगता है कि लग ही गया है, तो उसके बाद मैं कम से कम 3-4 घंटे आज धूप खाने वाली हूँ, क्योंकि मैं ठंडा नहीं लगा सकती खुद को भाई, ठंडा लग जाएगा ना तो बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। वैसे हमको लगता है कि हम फर्स्ट टाइम ऐसा है कि कैमरे के सामने विदाउट मेकअप में जीरो मेकअप में थोड़ा भी कुछ भी नहीं, वैसे ठीक लग रहा है यार, ये रियलिटी है ना, और रियलिटी बहुत जरूरी है जिंदगी में।
यस। सो अभी हम हैं रेडी। थोड़ा सा लग तो गया है चारों तरफ, जिधर देखो उधर ही, बट कोई बात नहीं। हमने खुद से लगाया है भाई मेहंदी अपने बालों में और अच्छे तरीके से लग गई है। अब हम इसको इसके साथ साथ करेंगे 3 घंटे इंतजार, ताकि मेरी मेहंदी जो है बालों की वो सूख जाए, और इससे यही फायदा है। इसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाल धुलने के बाद। ओके हाय, मीन्स कि मेरे बाल जो है आफ्टर 3 आवर्स, देख सकते हैं आप कितने से प्यारे प्यारे से हो गए हैं, और मैं धुल चुकी हूँ, और शायद आप लोगों को भी अच्छे लग रहे होंगे। मैंने सोचा है कि जो इसका रिजल्ट है मेहंदी का मैं दिखा दूँ। और हाँ, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मैं किसी चीज़ का ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं जो चीज़ यूज़ करती हूँ अपने बाल में, मैं वो आपको बता रही हूँ, और आप भी ट्राई कर सकते हैं, मीन्स अच्छे बालों के लिए। मैं थोड़ा सा और दिखाती हूँ, देखिए। सो मैंने सोचा कि लास्ट में मैं दिखा दूँ आप लोगों को, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है, और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग कि आपको कैसा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।